नासरीन आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। आरटी सेक्रेटरी का एलपीजी गाड़ियों के खिलाफ क्रैक डाउन, मुतादित गाड़ियों और गैस रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। खवातीन और दीगर मुसाफिरों का आरटी सेक्रेटरी के अमले पर तशद्दुद भी किया गया है। मजीद जानते हैं तेलंगाना टीवी के नुमाइंदे हारून रशीद से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अलाहाबाद आरटीएस सेक्रेटरी का एलपीजी गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुतद्दन गाड़ियों और गैस रिफंडिंग करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हवातीन व दीगर मुसाफरों का आरटी सेक्रेटरी के अमले पर तशद्दुद, आवाम ने आरटी सेक्रेटरी और अमले को यरमकाल बना लिया। सहाफियों और मुअज्जिज़ीन इलाका ने अमले की जान बचाई करवाई। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता और सेक्रेटरी डीआरटी ए मैडम हाना रहमान अपने अमले के हमरा गुज़श्ता रोज़ अलाहाबाद में गैस रिफंडिंग करने वाली एक दुकान पर छापा मारकर हैदर नासर के खिलाफ कार्रवाई की और रिफंडिंग का सामान अपने कब्जे में लेकर मुकामी पुलिस को मुकदमे के अंदराज के लिए तहरीरी जमा करवा दी। एलपीजी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान एक मुसाफर खतून के साथ सेक्रेटरी आरटी के अमले की मुबैना बदतमीजी पर हवातीन ने अमले पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। इस दौरान देखा देखी दीगर लोगों ने भी एहतजाज शुरू कर दिया और सेक्रेटरी आरटी को अमले समेत यरमगाल बनाकर चौक अलाहाबाद को बला कर दिया। बाद हजार सहाफियों और दीगर मुअज्जिज़ीन इलाका ने मैडम हाना रहमान और दीगर अमले को रिहाई दिलवाई। जी बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे।